न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। खबर रीवा से आ, जहां जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्न वितरण की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देशों के अनुसार राजस्व अधिकारी एवं खाद्य विभाग के अधिकारी उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं। अनियमितता पाए जाने समिति प्रबंधकों एवं सेल्समैनों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है। खाद्यान्न की कालाबाजारी करने पर उचित मूल्य दुकान भलुहा के विक्रेता को जेल भेजा गया है तथा रायपुर करचुलियान के सेल्समैन को भी जेल भेजा गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों को निश्चित मात्रा में खाद्यान्न का वितरण किया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। शासकीय उचित मूल्य के विक्रेताओं द्वारा अनियमितता बरतने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नियमित रूप से निरीक्षण टीम शासकीय उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा ले रही है। निरीक्षण की यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहेगी। इस संबंध में अपर कलेक्टर एवं प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान भलुहा की विक्रेता लोकमणि शर्मा द्वारा मार्च माह में एक भी दिन दुकान न खोलने तथा हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरित न करने तथा 100 क्विंटल गेहूं, 46 क्विंटल चावल, 2 क्विंटल नमक तथा 50 किलो चना की कालाबाजारी कर 3.5 लाख रुपए की मुनाफाखोरी करने पर विक्रेता शर्मा के विरुद्ध पुलिस अभियोजन की कार्यवाही कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी प्रकार रायपुर करचुलियान की शासकीय उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता रोहिणी तिवारी द्वारा उपभोक्ताओं को खाद्यान्न सामग्री वितरित न करने तथा 229 क्विंटल गेहूं, 93 क्विंटल चावल, 7 क्विंटल मूंग की कालाबाजारी करने तथा 6,23,000 रुपए की मुनाफाखोरी करने पर विक्रेता तिवारी के विरुद्ध पुलिस अभियोजन की कार्यवाही की गई है।